सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो थ्री द योग ऑफ द किंग द योग ऑफ द सोल्स रिलीज 33वें पृष्ठ की 22वीं पंक्ति पर 55वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके, तदनुरूप साधना के ध्रुव पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके, इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, एन एस्पेक्ट ऑफ द अननोन रियलिटी अल्टर्ड द मीनिंग ऑफ द कॉस्मिक सेंस। This huge material universe became a small result of a stupendous force, overtaking the moment, the eternal ray, illumined that which never yet was made. Guru ke kuch saral bhav ko saath rakhkar, सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य मानव जीवन यापन में उसके मन के समक्ष जीवन की रहस्यात्मक पहेली का समग्र पहलू कभी प्रकट होकर उजागर नहीं हो पाता है। वह तो अपनी सीमित मन क्षमता से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काल को खंड में बांट बांट कर ही भूतकाल का विवरण जान पाता है। वर्तमान का साक्षी बने रहकर भविष्य की मात्र कल्पना ही कर सकता है, किंतु राजा अशुपति की चेतना ऊर्ध्वारोहण करके परालोक परात्पर का निवासी बन जाने से इस अज्ञात सत्यता के भूत भविष्य के समग्र ज्ञान को, जिसे उसने अनंत की विशालता में अनुभूत किया था, बस इस वर्तमान में अब आ पकड़ा था, उसके द्वारा क्षण मात्र में प्राप्त इस अनुभूति को पा जाने से विश्व दृश्य का मतलब ही बदल गया था, जिसे सामान्य मन युगों युगों के अगिनत वर्षों में ही शायद पा सके। असीम अचलायमान के एक भाग से भागवत संकल्प एकोम बहुश्याम सिद्धि हेतु सृजित अभिव्यक्त धरती इसका जीवन तथा अन्यान्य अनेकोनेक लोक लोकांतर, जिसका अधिकांश तो मानव को अभी पता भी नहीं है, ऐसे अति विशाल अभिव्यक्त जड़ जगत जिसके अस्तित्व का मानव को एक किनारा या दूसरा समाप्ति का स्थल का अंश बोध का ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ऐसी समूची विशाल जगती अस्तित्व के अति विशाल स्वरूप के सृजन कर्त्री व संचालन कर्त्री किसी एक महती भीषण अनंत बृहत विशाल शक्ति का बस अभिव्यक्त जगत राजा अशुपति को लिए अब
यह नन्हा और नगण्य जैसा परिणाम भर रह गया था। परा के परात्पर लोक की अनंतता के अनंत आकाश की तुलना में अब राजा अशुपति की दिव्य दृष्टि में जगत छोटा सा प्रतीत होने लगा था। परात्पर की परा दिव्य शक्ति से उद्भूत अनेक ब्रह्मांड का दर्शन व अनुभूति तथा यह भी कि जो कुछ अब तक अभिव्यक्त हो चुका वह तो कुछ आगे अभिव्यक्ति में आने वाला है उसकी तुलना में अत्यंत ही अल्प है। इस प्रकार उस शाश्वत किरण ने काल पर अपना अधिकार करके उसके समक्ष वह सब कुछ भी प्रकटाया जो अब तक सृष्टि सृजन में निर्माया सृजन न किया जा सका था। आज हम इस सार गर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना इन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को देखा सीखा समझा जाना। अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारे सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं ताकि जब जब हमें साधना के द्रुपद पर इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के द्रुपद पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से कुछ पलों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है। ओ oh.